हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऋषि यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट फोटो एडिटर एंड्रॉइड्स के लिए। ये iOS में भी अवेलेबल है बट मुझे नहीं लगता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया iOS में, तो हो सकता है। तो आपको एंड्रॉयड मोबाइल के लिए सबसे भारी वीडियो एडिटिंग चाहिए होगा तो यही है। इससे बढ़कर मैं किसी को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो ये वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, हमें फोटो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फ़ोटो चूज़ करना पड़ेगा। तो चलो चूज़ करते हैं। गैलरी कहाँ पे गई? तो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे दो दोस्त है, ये जो लेफ्ट में है वो मैं हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो कैसे थोड़ा सा डल लग रहा है। तो हमें इसके कलर्स कैसे थोड़े उभारने हैं, या बोलते हैं ज़्यादा ऐसे दिखा के देने हैं। तो हमें जाना पड़ेगा शेयर में आके स्नैपसीड। तो अभी आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो ये सब फ्री है, गूगल का ही है। तो सबसे पहले आपको ये एक ऐसा नॉर्मल सा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे डन लिखा होगा, शेयर लिखा होगा, इंपोर्ट लिखा होगा, या कोई लेयर हो इंपोर्ट करना होगा तो इनसाइकिटिस लिखा होगा। तो आपको पहले जाके इस पर क्लिक करना है, एडिट पर। यहाँ पर जाके तो आप सबसे पहले ट्यून इमेज में जाइए। ट्यून इमेज में जाने से जैसे जाओगे आप, सबसे यहाँ पे एम्बिशियस लिखा होगा उस पर जाइए और आपको जितना कलर अच्छा लगता है उतना आप बढ़ाइए। तो आप देख सकते हो ये कितना डल लग रहा है और ये थोड़ा सा उभार के ऐसे लगते हैं कि थोड़े से कलर उसमें और ऐड कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं इतना। तो अगर आपको थोड़े से और सैचुरेटेड या और थोड़े कलर्स चाहिए तो आप सबसे लास्ट में जाइए वॉर्म में जाके थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं सारे कलर, जैसे ये येल्लो है, बाद में ये सब है जो कैसे आ गए। तो आपको बस जाके थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आप यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं। आपको कूलर इफेक्ट चाहिए तो कूलर इफेक्ट में जा सकते हैं। आपको थोड़ा बोलते हैं ना कि टेंट इफेक्ट, जैसे हम सन में खड़े वैसा, तो आप इसमें जा सकते हैं वॉर्म में। थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि 10-15 से आगे मत जाइए। तो जैसे आपका ये हो जाता है तो इसके बाद जो ब्राइटनेस होता है वो हल्का सा बढ़ाइए, क्योंकि आप जैसे ब्राइटनेस बढ़ाओगे जो पहले हमने इफेक्ट अप्लाई किया था वो सबसे कम हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। आप देख सकते हो अभी हमारा सैम्पल मतलब फर्स्ट स्टेप रेडी हो चुका है कैसे दिख रहा है। तो इसके बाद हमें बस इतना करना है कि सिलेक्टिव टूल दिख रहा है, बस सिलेक्टिव टूल में जाना है और आपको जहाँ जहाँ ब्लैक एरियाज दिख रहा है, मतलब जहाँ पे आपको किसी को गोरा करना है, किसी जगह पे थोड़ी सी ब्लैक है, तो वहाँ पे बस जाइए। ये प्लस का साइन तो पहले से ही रहेगा, उस पे जाइए। और जैसे मैंने अपने फेस पे क्लिक किया तो ऐसे बस थोड़ा सा बढ़ाइए उसको, ऐसे देखिए कहाँ से क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बस ये आइस पे ऐसे प्रेस करोगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा बदल गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें देखिए पहले कैसा था अभी कैसा था। आप देख सकते हैं पहले ऐसा था और अभी ऐसा है। तो ऐसे जाके आप धीरे धीरे सबको कर दीजिए। जैसे इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया, इसके बाद हमने इसको कर दिया, बाद में इसके बाद आप एक देख सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हैंड्स थोड़े से ये ब्लैकिश दिख रहे हैं। तो बस थोड़ा सा हैंड्स पे जाइए, कर दीजिए हर हैंड्स पे जाइए जहाँ पे आपको लगेगा आपके वहाँ से कि कहाँ पे आपको लग रहा है ख़राब दिख रहा है या थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है अपना रेडी सैंपल। तो आपने देख लिया तो इसे ओके कर, नहीं हाँ इससे पहले यहाँ पे भी थोड़ा कर दूंगा नीचे, ये हो गया यहाँ पे नीचे हो गया। तो ओके कर दीजिए, आपका ओके हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना सिंपली एक फ़ोटो जल्दी से जल्दी रेडी हो गया। ऐसे नहीं कि बस यही फ़ोटो पे लागू होता है, आप कोई भी फ़ोटो कर लीजिए। तो वापस एडिट में जाइए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विंटेज करके यहाँ पे एक फोल्डर है, मतलब एक टूल है। तो उसमें जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक सेट कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे बढ़ाया तो ब्लैक हो जाएगा, कम किया तो वाइट हो जाएगा, नीचे किया तो अंदर से ग्लो आएगा, वापस अंदर चले जाएगा तो अंदर से ग्लो आएगा। तो सबसे पहले तो आउटर ग्लो, तो आपको देखना है आपको कहाँ तक आना है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कि उसके लेग्स ऊपर से कितना ब्लर हो रहे हैं, कितने ब्लैक हो रहे हैं। तो एक बार आपके हिसाब से सेट कर लीजिए। तो मेरे लिए इतना एक काफ़ी है, -70%। तो अंदर से ग्लो करना है कब? तो अंदर से ग्लो करना मतलब आप यहाँ से ना सब ग्लो कर रहे हो, इसके फेस ग्लो कर रहे हो, सब ग्लो कर सकते हो। तो आप देखिए कम किया तो सारे फेस भी ब्लैक हो रहे हैं, ऐसे किया तो बढ़ भी रहा है। तो आप देख सकते हैं तो कितना सिंपली ये रेडी हो चुका है। तो देख लीजिए, बस यहाँ पे आपको लेग्स ब्लैक दिख रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, बस
एडिट कर दीजिए, ये हो गया। ओके वापस जाइए सिलेक्टिव में, सिलेक्टिव में जाके वापस वहाँ पे सिलेक्ट कर लिए कहाँ पे ब्लैक है तो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे जाके बढ़ा दीजिए और वापस बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपली अपना फ़ोटो रेडी हो चुका है। तो आप देखो आपको इससे कितने आउट ऑफ रेट करना है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं फ़ोटो वीडियो एडिटिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपको ये इंस्टाग्राम दिख रहा है, मेरा नाम है जेरी, मतलब मुझे सब जेरी बोलते हैं। सो मेरा यूज़र नेम है rishi_1314। आप मुझे यहाँ पे कर सकते हैं, बाद में आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी मैंने वाईफाई बंद किया है वरना मैसेजेज आएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखिए। मुझे पता है मैं थोड़ा यूट्यूब पे रेगुलर नहीं, ये 2 मंथ्स के बाद वीडियो आ रहा है। तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, और आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या मैं ये वॉलपेपर कहाँ से रखा है, ये वाला वॉलपेपर कहाँ से रखा है, तो मैं top 5 wallpapers, top 2 wallpapers apps पे भी बना सकता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, जय हिंद।